व्यवस्था के अंतर्गत सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में आपको हम बता रहे कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब से हुई और इसकी शुरुआत के क्या क्या कारण और सिद्धांत को मानने वाले कौन कौन से लोग और इसके अंतर्गत हम जितने भी सिद्धांत है उनका सबका अध्ययन करेंगे। तो जाति व्यवस्था के बारे में अभी तक ये कोई भी विकल्प सही नहीं है कि इसका इसकी उत्पत्ति कहाँ से कब से हुई है, लेकिन इसका अभी कोई प्रामाणिक आधार अभी तक आज तक स्पष्ट नहीं हो सकता है और ना ही इसे स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि इसका इसके बाद अनेक विचारकों ने इस सिद्धांतों के बारे में बताया है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है यहाँ भी स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। पहला ये शब्द के ऊपर है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में दिए गए विचारों पर आधारित है, जैसे कि बहुत से लोगों का मानना है कि यह देवताओं से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसी कारण से इसे देवत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। और ऋग्वेद ने पुरुष सूक्त में यह उल्लेख किया कि ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है और क्षत्रियों का भुजाओं से और वैश्यों का उदर से और शूद्र जो निम्न जाति है उसका ब्रह्मा जी के पैरों से इनका उदय हुआ है। परंतु निषेध तो गीता विभिन्न व्यक्तियों के गुण और कर्म के अनुसार इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है और मनुस्मृति में बताया गया है कि पहला ही धर्म ग्रंथ है जिसके अनुसार जातियों का निर्माण व्यक्तियों के समूह के द्वारा जिन्होंने या तो बड़े धर्म का पालन नहीं किया अथवा विवाह के नियमों का पालन नहीं किया या फिर मतलब कोई ऐसे नियम का उल्लंघन किया। इस प्रकार जैसे जैसे बड़े संकर संतानों का जन्म पड़ता गया उसके द्वारा ही मतलब एक एक वर्ण अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित होती है। इसमें क्या हुआ वर्ण के अंदर एक दूसरे से उच्च और निम्न अनेक जातियों का निर्माण होता गया। वास्तव में सिद्धांत वर्णों की उत्पत्ति से अधिक संबंधित है, जातियों की उत्पत्ति से नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत सिद्धांत के अनुसार वर्ण जाति को नहीं मानकर वर्णों की उत्पत्ति से इसको मानकर जातियों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं माना गया है। दूसरा आता है प्रजातीय सिद्धांत। इसके मानने वाले हैं हर्बर्ट डिसले, डीएल कुरी और डीएल मजूमदार। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और इन्हें जाति की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। जीएस कुरी और डीएल मजूमदार ने प्रजाति आधार पर जातियों की उत्पत्ति की काफी हिस्सों में स्वीकार किया। डिसले के अनुसार आर्यों ने भारत के द्रविड़ों पर जब विजय प्राप्त की तो उन्होंने मतलब उन्हें अपना गुलाम बनाया और वो जो गुलाम व्यक्ति थे उन्हें शूद्र वर्ण का नाम दिया। यही मतलब हमारे जो शूद्रों के रूप में उन्हें देखा जाने लगा। कुछ समय बाद शूद्र क्या हुआ कि रक्त की विशुद्धता के आधार पर आर्य लोग स्वयं ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बनते चले गए और फिर जो निम्न गुलाम थे उन्हें शूद्रों का दर्जा दिया जाने लगा। इस प्रकार वो एक दूसरे के रूप में जातियों के विभिन्न रूपों में उन्हें देखा जाने लगा। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि प्रजाति मिश्रण आधार पर भारतीय विभिन्न जातियों की शारीरिक लक्षणों के अनुसार स्पष्ट भिन्नता दिखाई पड़ती है। अतः इन्होंने माना कि प्रजाति सिद्धांत में मतलब विभिन्न जातियों और उपजातियों से जो लोग राजा लोग थे जो लड़ते रहे लड़ते रहे जो आर्यों ने जो द्रविड़ों के ऊपर संघर्ष किया उन पर विजय प्राप्त की उन्हीं के आधार पर जो उनके गुलाम थे उन्हीं को शूद्रों के रूप में देखा जाए और उन्हें दास प्रथा का वो बनाया गया कि अपने दासिता के दासता के रूप में उन्हें देखा जाए। ये हुआ प्रजाति सिद्धांत। तीसरा हुआ व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत
सिद्धांत के मानने वाले हैं नेस्किल्ड और बैक। इन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। नेस्किल्ड ने जात व्यवस्था के पद में पेशा अथवा पेशा ही एकमात्र साधन बताया। उन्होंने बताया कि पेशे के अनुसार ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया है। इसके मध्य इससे ये हुआ कि ये लोग विभिन्न पेशों अथवा व्यवसाय को मात्र पवित्रता और अपवित्रता एक विषय से अधिक और कम होने में संबंधित जातियों की परिस्थिति उच्च और निम्न जातियों में जो विभाजित होती गई उसी के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत माना। तीसरा है, चौथा है आपका ब्राह्मणवादी सिद्धांत। इसके मानने वाले हैं जीएस ध्रुव। जीएस ध्रुव ने यह स्वीकार किया गया ब्राह्मणों में ही मतलब जाति का विभाजन। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इसमें उच्च और निम्न जातियों का मिश्रण किया है। अपनी सुविधा के अनुसार ब्राह्मण को सर्वोच्च मान लिया और उसे पवित्रता जैसे कार्यों को करवाने लगे और जो क्षत्रिय थे उनसे अपने देश की रक्षा करवाने लगे और वैसे जो व्यापार करने और जो इनसे जो उनके नियम और नियमों का कारण और कानूनों का पालन उन्होंने नहीं किया उन्हें जाति में परिवर्तित कर दिया। इनका मानना है कि ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों ने ही अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इससे इन्होंने मतलब और इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत ने गंगा यमुना के मैदानों को माना और यहीं से दूसरे देशों में यह फैला। और लेकिन परंतु इस सिद्धांत की सबसे मुख्य कमी यह है कि यह नियोजित योजना के आधार पर इतने व्यापक संस्था को विभाजित करना जैसा कठिन प्रतीत होता है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणों को इतना ज्यादा इतने मतलब इतने भूभाग फैली जातियों को विभाजित करना इनके लिए कठिन था क्योंकि यह संभव नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत मिला था। पांचवा आपका है धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक है होकार्ट और सेनार्ट। इस सिद्धांत को होकार्ट और सेनार्ट के विचारों पर आधारित होकार्ट के अनुसार भारतीय समाज में धार्मिक कर्मकांडों का प्रतिनिधित्व अधिक था कि जिस कारण से कर्मकांडों को पूरा करने के लिए इस धर्म को पूरा करने के लिए बहुत सी सेवाओं की आवश्यकता पड़ी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि धार्मिक सिद्धांत को मानकर इन्होंने कई जातियों में इसका विभाजन किया जैसे कि ब्राह्मणों को पूजा पाठ की जरूरत पड़ती है शिक्षा का कार्यभार इनके ऊपर होता है। दूसरा अगर दूसरा जात के क्षत्रियों को देश की सेवा का कार्य करना होता है वैश्यों को कुछ लोग व्यापार करने के लिए होने चाहिए कुछ लोग सेवा भाव के लिए होने चाहिए इसलिए उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने के लिए इन सभी सेवाओं को सेवाओं और जरूरतों को पूरा समझा। इस वजह से इन्होंने इस सिद्धांत को माना इस सिद्धांत को नजरिया माना कि मतलब इसका जो इसकी जो उत्पत्ति है वो धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसी में सेनार्ट ने भी विभिन्न जातियों के द्वारा किए जाने वाले कर्मकांडों की पवित्रता और पवित्रता के आधार पर ही उनके भी उचितता और पूर्णता के क्रम को स्पष्ट किया। उसके बाद आपका आता है कि यह है कि उपयुक्त सिद्धांतों के द्वितीय छटकर ने भारत की सबसे प्राचीन नागा जनजाति के मानव संपत्ति
पढ़ सके और शिक्षा का जो प्रसार है हो सके। तो इसके लिए काफी व्यवस्थाएं की गई जिससे कि जाति व्यवस्था में अनेक कारण परिवर्तन के अनेक कारण उत्पन्न हुए। पहले कारण यह है कि उपनिवेशवादी शासन। उपनिवेशवादी शासन क्या है? ये ब्रिटिश शासन के दौरान 1931 की जनगणना के पहले ही उत्पन्न हुआ। उपनिवेशवाद बाहर से लोग आए और अपने यहाँ पे दीप व्यवसाय को फैलाया जिससे अनेक संस्कृतियों का आवागमन हुआ जिनको मानने वाले होते तैयार हुए। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित उपनिवेशवादी शासन वह महत्वपूर्ण आधार हुआ जिसके कारण यह जाति व्यवस्था का परंपरावादी रूप बदलने लगा। जनगणना के द्वारा विभिन्न जातियों के बारे में प्रामाणिक सूचनाएं एकत्रित की गई थी। यह सन 1931 की जनगणना के दौरान हुआ। इन सूचनाओं के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जातियों की संस्करण को बदलने के साथ ही अनेक उन जातियों को भूस्वामी बना दिया गया जो पहले इस आधार से वंचित थे। मतलब उन लोगों को भू अधिकार दिए गए जिनके पास जमीन नहीं थी, जायदाद नहीं थी या दूसरों के यहाँ वो कार्य को करते थे। सन 1935 में विशेष कानून के द्वारा बहुत से दलित या अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया गया। पंजाब के कुछ भागों में अपने सिंचाई योजनाओं का काम दिया जाने लगा। उसके साथ ही शासन के दौरान स्थापित नई शिक्षा व्यवस्था के कारण भी लोगों ने अस्पृश्य जातियों के शोषण के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्य किए और उनके विरुद्ध संघर्ष करना आरंभ कर दिया गया। यह कहां से उत्पन्न हुआ? उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत। दूसरा हुआ आपके लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। संविधान के द्वारा धर्म और जाति वंश के भेदभाव को समाप्त किया गया सामाजिक समानता, न्याय स्वतंत्रता के महत्व दिया गया। शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार लाया गया कि सभी लोग को शिक्षा की समुचित व्यवस्था मिले। दूसरा, संसद, विधानसभाओं, पंचायतों तथा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलने से जाति विभाजन के आधार में आधार ही समाप्त हो गया। तब जो सरकारी नौकरियां थी या मतलब सरकारी कामकाज थे या ऐसी जगह जहाँ पर अनुसूचित जातियों को स्थान नहीं दिया जाता था वहाँ उन्हें आरक्षण के द्वारा स्थान दिया गया जिससे कि जाति को जाति के विभेदीकरण को समाप्त किया जा सके। तीसरा आपका आधार है शिक्षा का प्रसार। भारत में शिक्षा का प्रसार आरंभ हुआ तो जाति से संबंधित कपोल कल्पित गाथाओं को अपने आप ही झूठा सा प्रतीत होने लगा कि ये सभी जो जाति व्यवस्था की भावना है ये गलत है, ये गलत मान्यताओं के आधार पर आधारित है। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार से जागरूकता उत्पन्न हुई और उसके बाद जाति व्यवस्था धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होती है। लोग छुआछूत और नीच की भावना को ना के बराबर समझने लगे और उनका विरोध भी करना आरंभ कर दिया और इसके बाद सामाजिक समानता के जो विरुद्ध थे वो भी मतलब संघर्ष में शामिल होने की मतलब सभी को समान अधिकार दिए गए। फिर आपका अगला आया नए सामाजिक अधिनियम। अधिनियम में छोटा है नए कानून बनाना। भारत में नए जाति स्वतंत्रता में नए सामाजिक नियमों को बनाया गया जैसे अंतर विवाह, बहिर्विवाह आदि के नियम में को नहीं माना गया। इनके द्वारा विवाह विच्छेद, विवाह पुनर्विवाह की अनुमति दी गई, सती प्रथा को समाप्त किया गया और 1956 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के द्वारा छुआछूत संबंधी धारणाओं और भेदों को भी दूर किया गया। अगर परिवर्तन के कारण क्या है? औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि। औद्योगिकरण नगरीकरण में भी वृद्धि की गई जिससे औद्योगिक और उद्योग धंधे लगने लगे। धीरे धीरे जो गांव के लोग थे वो नगरों की ओर पलायन करने लगे जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजी रोटी
या जो मालिक का कार्य कर रहा था या जो
भगवान बनते हैं, मतलब सभी लोग एक दूसरे के व्यवसाय को अपना सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र। तो इस तरह जमींदारी व्यवस्था में भी विघटन आ गया। फिर अगली आती है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एम एन श्रीनिवास ने समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को माना है। किसने माना है? एम एन श्रीनिवास। यह वह प्रक्रिया है जिसके विभिन्न जिसमें निम्न जातियां अपनी स्थिति और उच्च बढ़ाने के लिए तथा अपने को ऊंचा उठाने के लिए अपने क्षेत्र किसी प्रभावशाली जाति के व्यवहार को अपनाने लगती है, जैसे कि जनेऊ पहनना, धार्मिक अनुष्ठानों को करना और पढ़ाई लिखाई के उचित साधनों का उपयोग करना, भौतिक साधनों का उपयोग करना, मतलब किसी भी तरह से जो ऊंच जातियाँ थी जो दिन कार्यों को करती थी उसे सभी जातियाँ अपना अपना धर्म अपना अपना कार्य करके अपने हिसाब से सभी लोग आवश्यकता के अनुसार कार्यों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे कि